स्कूल में खतरनाक मुर्दा घर। तानिया सुबह जैसे ही स्कूल आती है तो उसे स्कूल में कोई भी नहीं मिलता। कमाल है, 8 बज गए हैं और आज अभी तक स्कूल में कोई नहीं आया है। चलो अपने क्लास में जाकर देखती हूँ। उसके बाद तानिया जैसे ही अपने क्लास में जाती है उसकी तो चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके क्लास में हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारा क्लासरूम एक मुर्दा रूम नहीं बन सकता। नहीं नहीं, तानिया भागते हुए स्कूल से बाहर आती है, तभी वो किसी से टकरा जाती है। कौन कौन हो आप? मैं मुर्दे को खाने वाली चुड़ैल हूँ। नहीं नहीं, चुड़ैल नहीं, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तानिया तानिया, जल्दी उठो बेटा, देखो सोनम आई है। हे भगवान, तो ये सपना था, मेरी तो जान निकल गई। आज के बाद मैं कभी कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगी। कल सोनम के साथ कब्रिस्तान गई थी, तभी मुझे इतने बुरे और डरावने सपने आ रहे हैं। सोनम तो 5 मिनट बैठ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद तानिया सोनम के साथ स्कूल जाने लगती है। तुम्हें पता है सोनम, मैंने आज बहुत ही खतरनाक सपना देखा। उसके बाद तानिया सोनम को अपने सपने के बारे में बताती है। तानिया, मम्मी कहती है सुबह सुबह का देखा सपना सच होता है। सोच, अगर ये सच निकला तो? पागल है क्या, सपना सपना होता है, सपना कभी सच नहीं होता। हाँ, आई विश कि ऐसा ही हो। उसके बाद दोनों स्कूल जाती है तो देखती है कि स्कूल में पेंट का काम चल रहा है। तभी प्रिंसिपल मैम कहती है, बच्चों कुछ दिनों के लिए स्कूल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो कुछ दिनों के लिए हम उस पुराने स्कूल के क्लासरूम में पढ़ेंगे, सभी बच्चे वहाँ चले जाओ। सोनम, ये पुराना स्कूल कितना भयानक और डरावना लग रहा है, हम यहाँ कैसे पढ़ सकते हैं? यहाँ तो हर तरफ गंदगी और बदबू है। बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर सब सही हो जाएगा, अब चल जल्दी। उसके बाद दोनों सहेली अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके क्लास में मीनाक्षी नाम की मैम आती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज से मैं ही आप सबकी नई टीचर हूँ, आज से मैं आप सबको पढ़ाऊंगी। पर मैम, हमारी क्लास टीचर तो पूनम मैम थी ना, अब वो हमारा क्लास नहीं लेंगी क्या? पूनम मैडम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है, तब तक मैं उनकी जगह पढ़ाऊंगी। तो बताओ बच्चों, कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है? उसके बाद मीनाक्षी मैम क्लास में पढ़ाने लगती है। लंच टाइम में तानिया स्कूल के बरामदे में खेल रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले क्लास में से जोर जोर से आवाजें आ रही है, जैसे मानो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हों। इस क्लास में तो ताला लगा हुआ है, फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही है? तानिया जब उस क्लास की तरफ बढ़ती है तभी मीनाक्षी मैम वहाँ आ जाती है। तानिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैम, मुझे लगता है इस क्लास के अंदर कोई है, मैंने अंदर किसी की आवाज़ सुनी है मैम। तानिया, ये तुम क्या कह रही हो? ये क्लासरूम काफी वर्षों से बंद पड़ा है, फिर इसके अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है? मैम, मेरा यकीन करिए, पहले तो मैंने एक परछाई को उस क्लासरूम की तरफ जाते हुए देखा था, उसके बाद उसके अंदर से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। आप समझी, कल तुम्हारा टेस्ट है ना, और तुम टेस्ट से बचने के लिए ये सब बहाने बना रही हो ना? नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ, आप प्लीज एक बार मेरे कहने पर इस क्लास को खोलकर देख लीजिए ना। तानिया, तुम अपनी क्लास में जाती हो या फिर मैं प्रिंसिपल मैम को बुलाऊं? मीनाक्षी मैम के डांटने पर तानिया अपने क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसके बाद मीनाक्षी मैम उस कमरे के अंदर जाती है और वहाँ उस मुर्दे घर में मुर्दे की आत्मा से कहती है, मैंने तुम सबको मना किया है ना, कोई भी इस क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा, अगर किसी को हम पर शक हो गया तो हमारा सारा खेल ही खराब हो जाएगा। मैं जानती हूँ चुड़ैल रानी, लेकिन मुझसे बच्चों की आवाज़ सुनकर नहीं रहा गया, इसलिए मैं उन्हें देखने बाहर चली गई। तुझे कुछ ज्यादा ही बाहर घूमने का चस्का लगा है, ये ले अब घूम। उसके बाद वो चुड़ैल उस आत्मा को एक बोतल में कैद कर देती है
चुड़ैल रानी, अब हमसे ये गलती नहीं होगी, हमें बाहर निकालिए, हमारा यह दम घुट रहा है चुड़ैल रानी, हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल रानी। बिल्कुल नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं इस सुनसान स्कूल के क्लासरूम में कब से बैठकर चैन से मुर्दे को खा रही थी, लेकिन अब यहाँ मुझे ये बच्चे चैन से नहीं रहने देंगे, तभी तो मैं भी टीचर का रूप लेकर इनके स्कूल में चली गई। वो सब तो ठीक है चुड़ैल, लेकिन आप इस बच्चों के बीच टीचर बनकर इन्हें क्यों पढ़ा रही हैं? अरे बेवकूफ, ताकि मैं इन बच्चों को इस क्लासरूम से दूर रख सकूं। तुम सबको पता है ना, 2 दिन बाद ही अमावस्या की रात है और उसी दिन मुझे ये महायज्ञ करना है, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकूं। अब जाओ डुबडुबा चंद्रमुखी, मेरे लिए और मुर्दे लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चुड़ैल रानी, अब हम आपके लिए मुर्दे नहीं ला सकते, क्योंकि कब्रिस्तान वालों को शक हो गया है कि वहाँ से कोई मुर्दे को गायब कर रहा है, इसलिए अब उस कब्रिस्तान में 24 घंटे गार्ड रहता है। तो फिर हॉस्पिटल से मुर्दे गायब करो। हॉस्पिटल की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अब मुर्दा घर में मुर्दा लॉक करके रखा जा रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मुर्दा चाहिए, मुझे कहीं से भी मुर्दा ला कर दो, चाहे आसमान से लाओ या जमीन खोदो, मुझे मुर्दा चाहिए, समझी? वरना मैं तुम सबको बोतल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल रानी, हम जाते हैं, हमें कैद मत करना, हमें बोतल में कैद मत करना, हम जा रहे हैं। तान्या, तुझे बदबू नहीं आ रही है क्या? मुझे तो बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा आ रही है, मेरा तो उल्टी जैसा मन कर रहा है। उसके बाद मीनाक्षी मैम क्लास में आती है। क्या हुआ, तुम सब ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? मैम, हम सबको पता नहीं क्यों आज सुबह से ही बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मर गया हो। अरे बच्चों, ये पुराना स्कूल है ना, हो सकता है कहीं कोई चूहा मर गया होगा, बस कुछ दिनों की तो बात है, तब तक नया स्कूल तैयार हो जाएगा। अब चलो सभी बुक निकालो। उसके बाद मीनाक्षी मैम पढ़ाने लगती है। लंच टाइम में मीनाक्षी मैम इधर उधर देखती है और फिर उस मुर्दे क्लास की तरफ जाने लगती है। जल्दी जल्दी में सुबह आधा पेट ही खा पाई थी, अब जल्दी जल्दी से ये सारे मुर्दे को खा लेती हूँ। सारा खाना खाने के बाद मीनाक्षी चुड़ैल कहती है, तुम सबको याद है ना, 2 दिन बाद ही पूरन मासी है, हमें जल्दी ही 5 लड़कियों की बलि देकर अपने पूजा को संपन्न करना होगा। वो सब तो ठीक है चुड़ैल रानी, लेकिन वो 5 जिंदा लड़कियाँ आप लाएंगी कहाँ से? डुबडुबा, तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हारी तरह आत्मा नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ, और चुड़ैल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं परसों छुट्टी होने से पहले ही स्कूल की 5 लड़कियों को अपने साथ ले आऊंगी और फिर रात में हमारी पूजा आरंभ होगी। अब चलो सभी अपने अपने काम पर लग जाओ, और हाँ तुम लोग इस कमरे की कल अच्छे से सफाई भी कर देना। चुड़ैल रानी, आप कब से इतनी साफ सफाई में रहने लगी? डुबडुबा, तुम हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी। हम चुड़ैलों को गंदगी और बदबू बहुत पसंद है, लेकिन इंसानों को नहीं। अगर कोई बदबू का पता लगाते लगाते इस रूम तक पहुंच गया ना, तो हमारे बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब चलो सभी सावधानी से अपने अपने काम में लग जाओ। उसके बाद मीनाक्षी मैम उस क्लासरूम से बाहर आ जाती है, तभी तान्या मीनाक्षी मैम को उस रूम से निकलते हुए देख लेती है। अरे सोनम, ये मीनाक्षी मैम उस गंदे कमरे से निकलकर कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही हो, तुझे क्या करना है? सोनम, मुझे लगता है उस क्लासरूम में कुछ मरा हुआ है और उसी क्लास के अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है, उस क्लास के आगे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन फिर ये मीनाक्षी मैम उस क्लासरूम में क्या कर रही थी? कहीं वो हम लोगों से कुछ छुपा तो नहीं रही है? तान्या, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद जब दोनों वहाँ खिड़की से अंदर का नजारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर इंसानों की हड्डी और कंकाल पड़ा हुआ था और उस कमरे के अंदर आत्माएं डांस कर रही थी। सुनम, ये तो भूतों का अड्डा लग रहा है। हाँ, इसका मतलब मीनाक्षी मैम भी एक चुड़ैल है। सुनम, तुझे याद है ना, मैंने तुझे कुछ दिन पहले अपने सपनों के बारे में बताया था, मेरे सपने में है यही ऐसा ही क्लास
क्लासरूम आया था और इसी क्लासरूम में मुर्दे ही मुर्दे पड़े थे। तान्या, अब तो हम सब मारे जाएंगे। वो चुड़ैल, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल अब हमारे क्लास में हमारी नई क्लास टीचर बनकर आ चुकी है। सोनम, हमें जल्दी ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागनी होगी, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तान्या, भागी सबका क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमें खुद की जान बचानी है, बाकियों के बारे में हम बाद में सोचेंगे। अब चलो भागो यहाँ से। उसके बाद तानिया और सोना दोनों स्कूल से भागकर घर चली जाती है और वो दोबारा स्कूल नहीं जाती है। दो दिनों बाद उसके स्कूल से पांच लड़कियाँ अचानक से गायब हो जाती है। जब ये बात सोनम और तानिया को पता चलता है तो वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। ये तुम अब बता रही हो? तुमने हम सबको ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पता नहीं उन पांचों लड़कियों का क्या हुआ होगा। मैम, हम बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन आज हमें जब अपने दोस्तों के बारे में पता चला तो हमसे रहा नहीं गया। अब जल्दी चलो मेरे साथ। उसके बाद प्रिंसिपल अपने साथ एक पहुंची हुई अम्मा को लेकर उस क्लासरूम में जाती है जहां चुड़ैल अपने आत्माओं के साथ हवन कर रही थी। वो पांचों लड़कियों को रस्सी से बांध कर रख रखी थी। डूब डुबा, अब मेरा पूजा बस संपन्न होने ही वाला है। अब जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूंगी, तुम इस तलवार से एक एक करके लड़कियों की बलि देती जाना। ओम भट भट स्वाहा। रुक जाओ चुड़ैल, मैं कहती हूँ रुक जाओ, उन लड़कियों को छोड़ दो। तू शायद मुझे जानती नहीं है प्रिंसिपल, मैं चुड़ैल हूँ और चुड़ैल किसी की नहीं सुनती। चली जाओ यहाँ से, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। हम यहाँ तुमसे अपॉइंटमेंट लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें इस स्कूल से भगाने आए हैं। अच्छा मजाक है। अम्मा, अब आप ही कुछ कीजिए। उसके बाद अम्मा कुछ मंत्र पढ़ कर उस चुड़ैल के ऊपर डालती है, लेकिन चुड़ैल पर उस मंत्र का कोई असर नहीं होता। मैं चुड़ैल हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ दादी अम्मा, हमारी चुड़ैल को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी आत्मा तो इस चोटी में है। तभी वो अम्मा उस चोटी को लेकर उस हवन के अंदर डाल देती है। चोटी के जलते ही चुड़ैल का अंत हो जाता है और फिर अम्मा उस सभी आत्माओं को भी वहाँ से मुक्त कर देती है। उसके बाद प्रिंसिपल उन सभी बच्चों को छुड़ा कर ले आती है। नई बहू का हुआ पेट खराब। सुषमा अपने पति के साथ गाड़ी में बैठे अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन गाड़ी में उसे जितने भी हचके लगते, सुषमा का पेट उतना ही गुरगुर करने लगता, जिसकी वजह से सुषमा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो कहती है, हे भगवान, ये रास्ता इतना खराब है कि इतने हचकों की वजह से मेरे पेट में गुरगुर शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो रास्ते में कोई शौचालय भी नहीं है और अगर मैंने अपना पेट हल्का नहीं किया तो मेरा पेट का दर्द और भी बढ़ता जाएगा। इतना कहकर सुषमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि नई दुल्हन होने की वजह से उसे ये बात अपने पति विनोद से कहने में भी बहुत हिचकिचाहट होती है, जिसकी वजह से वो विनोद से कुछ नहीं कहती है और मन ही मन सोचती है, अगर मैं ऐसे रास्ते में गाड़ी रुकवा कर शौच करने जाऊंगी तो विनोद जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी एक ढाबे के पास जाकर रुकती है, जहां विनोद गाड़ी से उतरकर खाने और पीने के लिए पानी की बोतल खरीदने लगता है। उसी समय मौका देखते ही सुषमा गाड़ी में रखे कुछ गिफ्ट के थैली खाली करती है और उसी में शौच करके उसे गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देती है और शौच करने के बाद सुषमा को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तभी विनोद सुषमा के लिए खाने का सामान ले आता है और सुषमा बिना कुछ सोचे समझे वो सारी चीजें खाने लगती है, क्योंकि सुषमा को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था और वो खाना देखते ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से सुषमा का पेट बार बार खराब हो जाता था, लेकिन वो फिर भी ज्यादा खाना खाना नहीं छोड़ती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ कमला उसे अक्सर समझाया करती थी, अरे बेटी इतना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाएगी तो तू मोटी हो जाएगी और तेरा पेट भी खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ, मोटे होने में क्या है, मैं अपना खाना कम नहीं कर सकती हूँ, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। अरे पागल, मोटी लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही उससे कोई शादी करता है। ये तो और भी अच्छी बात है ना माँ, अगर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं अपना खुद का ढाबा खोल लूंगी और फिर ढेर सारा खाना खाऊंगी। इतना कहकर
सुषमा हंसते हंसते अपनी माँ की बातों को अनदेखा कर देती है और वहाँ से चली जाती है। समय के साथ साथ सुषमा के ज्यादा खाने की वजह से सुषमा सच में मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन कोई भी सुषमा के मोटापे की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद विनोद नाम का लड़का सुषमा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कमला सुषमा से कहती है, बेटी तुझे तो पता है ना हमें ये रिश्ता कितनी मुश्किल से मिला है, इसलिए तू कभी भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारे रिश्ते में कोई भी दिक्कत आए, और अपने ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका मत देना, और अपने ये खाने पीने की आदत को थोड़ा कम कर लेना, वरना अगर तुम अपने ससुराल में भी इतना सारा खाना खाओगी तो वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपकी सारी बात समझ गई हूँ, आप बस अपनी बेटी की शादी की तैयारियाँ कीजिए। और ऐसे ही कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ जाता है, और सुषमा अपनी शादी वाले दिन भी सुबह से कुछ न कुछ खाते रहती है, जिसे देखकर उसकी माँ कमला उससे फिर कहती है, अरे बेटी कम से कम अपनी शादी वाले दिन तो खाना खाना बंद कर दे, लोग क्या सोचेंगे कि नई दुल्हन कितना खाती है। अरे माँ आज मेरी शादी है इसलिए तो मैं जी भर के खा रही हूँ, क्या पता ससुराल जाते ही मुझे कुछ खाने को ना मिले। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर कमला बेचारी कुछ नहीं कह पाती और सुषमा का खाना जारी रहता है, जिसकी वजह से ससुराल जाते समय सुषमा का पेट खराब हो जाता है और उसे गाड़ी में ही शौच करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए तो सुषमा का पेट गुरगुर करना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसके पेट में फिर से मरोड़े मारने शुरू हो जाते हैं। हे राम, लगता है मेरा पेट सच में खराब हो गया है। इतना कहकर सुषमा धीरे से गैस छोड़ देती है, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी में बदबू फैल जाती है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अरे ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, इस बदबू की वजह से मैं तो गाड़ी भी सही से नहीं चला पा रहा हूँ। सच में ये बदबू तो बहुत ही ज्यादा गंदी है, पता नहीं इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, लगता है रास्ते में कोई कुत्ता मरा पड़ा होगा, लेकिन इस बदबू की वजह से मुझे तो उल्टियाँ आ जाएंगी। अरे मेरे पाप की बदबू क्या इतनी गंदी है जो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सुषमा को ऐसा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि सुषमा अपने घर में भी हमेशा ऐसा ही गैस छोड़ते रहती थी, और उसकी इसी हरकतों की वजह से कमला बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और कहती थी, अरे अब बस भी कर सुषमा, कहीं इस बदबू से मेरी जान न चली जाए, पता नहीं तेरे पेट में हमेशा इतनी गंदी गैस क्यों बनते रहती है। क्या माँ आप भी ऐसी बातें कर रही हो, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है, और वैसे भी मेरे पाप की बदबू इतनी भी ज्यादा गंदी नहीं है। हाँ हाँ तुझे अपनी पाप की बदबू गंदी कहाँ लगेगी, क्योंकि तेरा तो ये रोज का काम हो गया है, लेकिन ये हरकतें अपने पति के सामने मत करना, वरना वो तो तुझे वापस यहाँ पर पटक कर चले जाएंगे। अरे माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस खामखाई घबराते रहती हो। सुषमा गाड़ी में बैठे बैठे ये सब सोच रही होती है, तभी उसे फिर से सोच लग जाता है। हे भगवान अब फिर से सोच करना होगा, लेकिन मैं विनोद जी को गाड़ी से बाहर कैसे भेजूं? सुषमा इतना सोच ही रही होती है तभी रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है, और गाड़ी ठीक करने के लिए ड्राइवर के साथ साथ विनोद भी गाड़ी से नीचे उतर जाता है, और मौका देखते ही सुषमा फिर से गिफ्ट के एक पॉलिथीन निकाल कर उसमें सोच करने लगती है, और ऐसे ही एक के बाद एक पॉलिथीन बाहर फेंकने लगती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और कहता है, सुनिए सर मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर पानी पीने चला जाता है, तभी अचानक से सुषमा जोर से गैस छोड़ देती है, जिसकी बदबू से विनोद को चक्कर आने लगता है, और वह कहता है, हे भगवान ये क्या था, और ये इतनी गंदी बदबू, मेरा तो सिर ही घूम गया है। इतना कहकर विनोद गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है, तभी जब ड्राइवर पानी की बोतल लिए हाथ में आता है तो वो कहता है, अरे सर क्या हुआ आपको, उठिए। इतना कहकर ड्राइवर पानी के कुछ छींटे विनोद के मुंह पर मारता है, ये देखकर सुषमा भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है,
तभी जब विनोद को होश आता है तो वो गुस्से में सुषमा से कहता है, सुषमा ये क्या था, क्या तुम इतनी गंदी गैस छोड़ती हो और तुम्हें ऐसे करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे ज्यादा खाने खाने की वजह से मुझे हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन सुषमा ये कोई अच्छी आदत नहीं, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। आप जैसा कहेंगे जी मैं वैसा ही करूंगी, बस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो और ड्राइवर तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, वैसे भी काफी देर हो गई है। इतना सुनकर ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है, तभी सुषमा के पेट में फिर से गुरगुर होने लगती है और वो फिर से एक बार गैस छोड़ देती है, जिसके बाद विनोद कहता है, अब बस बहुत हो चुका, अब मैं और गंदी बदबू नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर विनोद सुषमा को उसके मायके ले आता है और कहता है, ये लीजिए आपकी बेटी, आपको ही मुबारक हो, मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना है। इतना कहकर विनोद कमला को सारी बातें बता देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद सुषमा को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी माँ से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, अब सही कहती थी, ज्यादा खाना खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं आज के बाद से अपने ज्यादा खाने की आदत को बदल लूंगी। इतना कहकर सुषमा ने समय के साथ साथ खाना खाना बहुत ज्यादा कम कर दिया था और कुछ ही महीनों में वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और उसके अंदर ये बदलाव देखकर विनोद भी उसे अपना लेता है, जिसके बाद सुषमा खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देती है।